आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल का मसाला बड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे साल भर तक आप घर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब वगैरह कुछ नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर फॉलो करें। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर 500 ग्राम मैंने चना का दाल लिया है और इसे मैंने रात में भिंगो कर रखा है और इसका जो पानी था मैंने निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी जार लिया है, थोड़ा थोड़ा करके दाल को इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, एक बार मैं इसी तरह पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, बिना पानी को मैंने पीसा है तो अच्छे से नहीं पिसाया है, तो थोड़ा सा मैं इस पर पानी डाल लेती हूँ। तो फिर से मैं इसे पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, तब मैं इसे निकाल लेती हूँ और सेम तरीका से सारा मैं दाल पीस लूँगी। तो यहाँ पर सारा दाल मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने डाला एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है। तो ये मैंने थोड़ा सा कलौंजी डाला है और इसमें मैं एक छोटा चम्मच भुंजा हुआ मसाला डालूँगी। तो इसका जो टेस्ट है बड़ी में बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मेरे पुराने वीडियो में मैंने डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसे यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है, तब ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिश्रण को इस तरह से ले लेती हूँ और प्लेट में इसे इस तरह से एक ही साइज़ का मैं तोड़ के गिराते जाऊँगी और इसी तरह से सारा बड़ी है जो मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे बड़ी मैंने रेडी कर लिया, तो इसे मैं 3 से 4 दिन तक कड़े धूप में रख दूंगी। तो अच्छे से सूख जाएगा, तो इसे आप साल भर तक भी स्टोर करिएगा तो ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, 3 से 4 दिन हो गया है, अब बड़ी है जो अच्छे से सूख गया है। तो ये फ्रेंड्स, इसका जो सब्ज़ी बनता है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो अगर घर में कुछ भी सब्ज़ी वगैरह ना हो तो आप ये बड़ी का सब्ज़ी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं मिलूँगी नए वीडियो के साथ।